है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वक्त में रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट पे है। आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश और कई जगह पे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई होते हैं। और इस वक्त में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिला याजाली के आसपास जो यहाँ पे नेपको का प्रोजेक्ट है, जो मेरा पीछे देख रहे हैं, उसी को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि आप लोगों का ज़िंदगी में जब बिजली का समस्या होते हैं और बिजली का समस्या हल होते हैं, तो इसी से होते हैं। ये रिजर्वेयर है, इसी से आप टनल यहाँ पे जो रिजर्वेयर बना के रखा और थोड़ा आगे में टनल बनाया हुआ है, वहाँ से फिर उस पार होज, ये याजाली के पितापुल के नीचे पर है, तो उस पार जो होज, जबकि वो पपुम पारे पहुँच जाते हैं, उस नदी पार जब ले जाते हैं वो नदी को, वहाँ पे टरबाइन बिताया गया है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ से पावर जनरेट कैसे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ से कैसे डैम को बना के नदी को बंद करके बनाया गया है। आपको बता दो, ये नदी जो है पांजर रिवर है, पांजर नदी है, जो लोअर सुबनसिरी से जो आसाम की तरह जाते हैं। ये पूरा नदी को बंद किया गया है और ये पांजर रिवर है। स्थानीय भाषा में पांजर रिवर और पांजर नदी या फिर पांजर पगू के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाहरी लोग इनको रंगा नदी कहते हैं। इसीलिए रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो नेपको द्वारा चलाया जाते हैं इस वक्त, और उन्होंने ही कंस्ट्रक्शन किए थे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन। और जितने भी डैम है देख रहे हैं, ये चैम्बर बनाया गया है। और हम थोड़ा ऊपर की ओर आकर देखते हैं कि रिजर्वेयर से कैसे उस पार जो नदी के से ले के पानी को 9 किलोमीटर गहराई से टनल बना के वहाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल टनल के ऊपर हम आ चुके हैं। इस वक्त आपको मैं दिखाऊंगा, ये टनल के ऊपर मैं आ चुका हूँ और इस वक्त सफाई चल रहे हैं। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो टनल में जो जितने भी लकड़ियाँ या फिर जो भी चीज़ फंस जाते हैं, उसको साफ करते रहते हैं ये क्रेन जो है समय समय पे, ताकि फ्री फ्लो हो सके पानी का। कि टनल काफ़ी लंबा है, 9 किलोमीटर की दूरी से टनल बनाया गया है, ये नदी को डाइवर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त बिल्कुल यहाँ रिजर्वेयर पे खड़ा हूँ, और जो रिजर्वेयर आप जो देख रहे हैं, यहाँ से उस पार 9 किलोमीटर टनल बनाया गया है। ये जितना भी है रंगा नदी रिवर है, इसमें रिजर्वेयर बनाया गया है। फिर यहाँ पे देखिए, ये इस वक्त ये साफ भी कर रहे हैं बीच में जो लकड़ी वगैरह होते हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ कि ये यहाँ से टनल जो जाते हैं 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर अंदर यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं और दिमुह में निकलते हैं, होज में दिक्रोंग नदी में मिल जाते हैं, वहाँ से सगाली से एक नदी आते हैं, बता दूँ उस पार पपुम पारे है, और ये जो है लोअर सुबनसिरी है, बिल्कुल याजाली के करीब सता हुआ है। तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहा कि यहाँ से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश में। कभी कभार आपको जब बिजली नहीं मिलते हैं, तो तब आप समझते हैं कि यहाँ में प्रॉब्लम होते हैं या फिर बीच में कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम होता है। यही है असली जो जगह, जो रिजर्वेयर रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, जहाँ पे वो यहाँ से बिजली पैदा होते हैं। यहाँ से आपको बता दूँ कि यहाँ से नदी को डाइवर्ट करके उस तरफ ले जाते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, यहाँ से टनल के अंदर पानी चले जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो जितने भी जो पानी है यहाँ टनल के अंदर से चले जाते हैं, यहाँ से है ना, ये जितने भी है 9 किलोमीटर की दूरी पे तय करते हैं। तो ये बिल्कुल देखो, ये रिजर्वर है, यहाँ से आपको दिखाई देंगे पूरा रिजर्वर को, ये व्यू पॉइंट है। तो आप दिखा सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ सतर डाउन या खुला जाता है, ये टनल है यहाँ पर नीचे में। तो आपको हम ले चलते हैं नीचे की ओर, जहाँ डैम बनाया गया हुआ है, और पूरा डिटेल में आपको दिखा भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, और आप जो देख रहे हैं ये रिजर्वेयर है, और ये रंगा नदी यानी कि पांजर
नदी को पांजर रिवर को किस तरह से बंद किया गया है आपको मैं दिखाऊंगा। इस वक्त हम बिल्कुल डैम के ऊपर से जा रहे हैं और यहाँ गाड़ी का आवाज़ आए भी करते हैं कंपनी के। और ये बता दूँ नेपको नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और डिक्रोंग नदी में उसको मिलाया गया है इस नदी को, जिसको पारे नदी भी कहा जाता है वहाँ पे। और तीन टर्बाइन बिताया गया है जो एक 135 का जो कैपेसिटी है मेगावाट, और तीन का मिलाने से 405 मेगावाट का जो टर्बाइन बिताया गया है। तो बिल्कुल हम इस वक्त डैम के ऊपर है, ये रिजर्वेयर है, और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ कि इस वक्त यहाँ कैसे पानी को बंद किया गया है। और ये देखिए यहाँ नीचे जहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे पे, यहाँ पे पूरा सतर है, वहाँ पानी को खोलते हैं और बंद भी करते हैं वहाँ। और इस तरह से यहाँ बिल्कुल डैम की ऊंचाई से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये डैम रिजर्वेयर है। तो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि पांजर रिवर, जिसको कोई कुछ लोग रंगा नदी भी कहते हैं, ओरिजिनली ये लोकल स्थानीय भाषा में पांजर रिवर कहते हैं, पांजर पोबू। और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है नदी, इतना विशाल नदी को बंद किया गया है। यहाँ बंद करने का बाद वहाँ होज की ओर डाइवर्ट किया गया है, होज पापुमपारा में है, ये जो लोअर सुवर्णश्री पे हैं। और ये देखिए ये नदी को इस वक्त डैम से या फिर बांध से बंद कर दिया गया और नदी को पार कर दिया गया। तो ये है मेन जो डैम है जो आप देख सकते हैं, यहाँ से मेरा सीधा देख सकते हैं, वो बिल्कुल ये पूरा डैम बनाया हुआ है, तो इसी से पानी को रुकाया गया है। ये जो नदी को इस तरह से बंद किया गया है, ये देखिए ये सतर बंद किया गया है ये नदी, और हल्का फुल्का पानी गिर रहे हैं ये। और आपको दिखा दो ये डैम है, और ये बिल्कुल देखिए डैम पूरा इस तरह से बंद किया गया है। और ये देखिए पानी इस तरह से बंद किया गया है, ये पूरा लाइन बाय वन लाइन पूरा बनाया गया है, ये देखिए ये पूरा डैम। तो यहाँ से आप लोगों को बिजली मिलती है, ये पूरा पानी इस तरह से है और कुछ यहाँ ऐसे जमा हुआ है। देख रहे हैं ये हम जो हाई एल्टीट्यूड से आपको दिखा रहे हैं रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, और आपको बता दूं कि 405 मेगावाट से बनाया हुआ है। और इसका उद्घाटन जब शुरुआत किए थे 80 के दशक में, तकरीबन 1986 में राजीव गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, और इसका कमीशन जो है 2000 में हुआ था, तकरीबन 20 साल हो गए हैं इसका कमीशन। और ये जो आप देख रहे हैं पांजर रिवर है, पांजर, हालांकि कुछ लोग रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट से रखा गया है, मगर आप जो देख रहे हैं ये रंगा नदी नहीं है, लोकल नेम जो है पांजर रिवर है। तो ये लोअर सुवर्णश्री में है, पोतिन का व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो 9 किलोमीटर जो अंदर से टनल बनाया गया है, होज में निकलते हैं, वहाँ एक नदी है और बाद में दुईमुह में निकल जाता है पापुमपारा ज़िला में, जिसको वहाँ पे भी एक बनाया गया है पावर ग्रिड और पावर जो टर्बाइन रखा गया है वहाँ पे। तो वहाँ से मिलकर वो दिक्रोंग नदी की ओर चले जाते हैं। तो आपको मैं बता दूँ जो आप इस पीछे से जो देख रहे हैं वो नदी को बंद किया गया है, ये लखीमपुर की तरह जाते ही है नदी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं डैम बनाया गया है। तो ये था आपको दिखाने का इस वीडियो पे कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं और कई अरुणाचल के कई हिस्से में इसको सप्लाई किया जाता है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ले जाते हैं। यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन ने इसको कंट्रोल में रखा हुआ है, अब तक इसको चलाते हैं। वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।